जैव भूगोल को देख लेते हैं, बायो जियोग्राफी। तो बायो जियोग्राफी में हम सबसे पहले देखेंगे बायो जियोग्राफी, जैव भूगोल, यूनिट नंबर 4। अच्छा, यूनिट नंबर 2 और 3 के लिए बुक लिख लो, एक कंबाइंड बुक आती है डीएस लाल की, डीएस लाल, अलग अलग भी आती है कंबाइंड भी आती है, कंबाइन ही ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यानी कि आपका जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान के लिए, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी के लिए डीएस लाल की बुक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हो। इसमें जो पहला है, यहां पर आपको जो है दैट इज द बेस ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। तो बायो जियोग्राफी जो है वो एनवायरमेंट जियोग्राफी का बेस है, ह्यूमन जियोग्राफी का बेस है। मानव की जो कृतियां शुरू होती है, मानव की एक्टिविटी शुरू होती है, वो कहां से शुरू होती है, कृषि से शुरू होती है। मानव कहां से जो है समाज के रूप में परिवर्तित हुआ, जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी क्या थी, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, मृदा का होना, ठीक है। यहां तक कि वन संसाधनों का होना, पर्यावरण का होना किस बात पर डिपेंड करता है, मृदा के ऊपर डिपेंड करता है, सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। बायो जियोग्राफी में जो मेजर पोर्शन होगा वो यहां से काम करेगा। सबसे पहले है जेनेसिस ऑफ सॉइल, लिखो, मृदा की उत्पत्ति, जेनेसिस ऑफ सॉइल, मृदा की उत्पत्ति पहला टॉपिक। इसमें 11 टॉपिक हैं टोटल। अगला है क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, ठीक है, मृदा का वर्गीकरण एवं वितरण, वर्गीकरण और वितरण। अगला है सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। चौथा, ये जीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आपको यहां पीटी में भी मिलता है, मेंस में मिलता है, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, हर साल एक क्वेश्चन आता है यहां से, मृदा अपरदन। ये भी अगला जो है ये भी जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, मृदा अवनयन और संरक्षण। इस बार सॉइल हेल्थ कार्ड आया था कि नहीं आया था, ठीक है, सब कुछ इसी के अंदर पढ़ लेना। इस बार पीटी में सॉइल हेल्थ कार्ड आया था ना, ठीक है, लिखो, डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, मृदा का अवनयन और संरक्षण। छठे नंबर पर है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, लिखो, वैश्विक पादप एवं जंतुओं के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक अब देखो, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। कितना जो है वो ये खूबसूरत सेगमेंट है। एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था यूपीएससी में ही कि बेटा क्या कारण है कि भूमध्य रेखा पर शेर नहीं पाए जाते, लायन डज नॉट लिव इन द इक्वेटर, जबकि जैसे भाई शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, और सबसे बेहतरीन अगर कहीं तुम्हें जंगल दिखाई पड़ेंगे, वन संपदा दिखाई पड़ेगी, तो वो कहाँ तुम्हें दिखाई पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर दिखाई पड़ेगी। क्यों दिखाई पड़ेगी, अब तुम्हें अपने आप इनके जवाब दे ले जाओगे। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि शेर जो होते हैं वो भूमध्य रेखा पर क्यों नहीं पाया जाता जबकि वहां जंगल सबसे ज्यादा घने। हाँ, सोच के देखना कि आज तुम जाके एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन जब तुम फाइंड आउट करोगे तो जंगल कहां, शेर कहां रहता है, शेर जंगल का राजा, बचपन से हमें पंचतंत्र की कहानी में सिखाया जाता है। और सबसे घने जो है वृक्ष कहां पाए जाते हैं, जहां पर वर्षावन होंगे, जहां पर आर्द्रता होगी, उष्णता होगी, तो वो भूमध्य रेखा पर पाए जाएंगे, लेकिन वहां शेर नहीं पाए जाते, ठीक है, बाघ नहीं पाए जाते। कारण है? क्या हुआ ठीक है, हाँ भाई, सोच के देखना। तो इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया था, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो शेरों की प्रजाति कहां पाई जाती है, सवाना में, ठीक है, सवाना में, इसको हंटिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, जो आपका अफ्रीका का हिस्सा है। शेर को शिकार करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, उसको दौड़ने के लिए स्थान चाहिए होता है, तभी वो अपना शिकार पकड़ पाता है, ठीक है। और इतने घने वन है कि वहां पर क्या होता है, आपको दौड़ने के लिए स्थान
मिलता ही नहीं, झाड़ियां इतनी ज्यादा, आपकी मूवमेंट को क्या होता है, बाधित होता है। उसको छिपने के लिए लंबी लंबी घास चाहिए होती है, एलिफेंट ग्रास बोलते हैं उसको, वो कहाँ पाया जाता है, सवाना में पाया जाता है। तो जो उसके शिकार के लिए, उसके भोजन के लिए, उसके छुपने के लिए जो आदर्श स्थितियां, वो कहाँ पे मौजूद है, सवाना में मौजूद है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जब वो दौड़ता है तो उसकी बहुत ऊष्मा खर्च होती है, ठीक है, ऊष्मा खर्च होती है, उसकी मसल्स पे बहुत जो है वो जोर पड़ता है, चाहे वो शेर हो चाहे चीता हो। और जो आर्द्र प्रदेश होते हैं, जहां पर इक्वेटोरियल जोन होता है, वहां आर्द्रता इतनी ज्यादा होती है कि आप जो है वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। क्या होगा, आदमी प्रेसिपिटेशन से ही मर जाएगा बेचारा, शेर वहीं हाँपता रहेगा इधर से ग्लूकोज की बॉटल लेकर। तो ये जो है वो जो आपका लॉजिक होता है वो यहां से डेवलप होकर आता है। चलिए अगला देखते हैं, सातवां नंबर, प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लिखो, निर्वनीकरण और संरक्षण से संबंधित, निर्वनीकरण से संबंधित परेशानियां, चुनौतियां, समस्याएं तथा संरक्षण के उपाय, तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें सेगमेंट होते हैं, सीधे क्वेश्चन बनकर आता है, सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री जिसे कहते हैं, ठीक है, यह तमाम वृक्षारोपण के कार्यक्रम, ये सारा जो है लॉजिक बेस पर आ जाता है यहां पर, ठीक है। तो निर्वनीकरण से क्या समस्याएं हो सकती हैं, नंबर एक, और ये तो लॉजिक आपको पता ही होगा। सेकंड, कौन कौन से उपाय जो है वो किए जा रहे हैं। अगला है सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी, आठवां सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी, कृषि वानिकी, फिर वाइल्ड लाइफ, वन संसाधन, वन जीवन, वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ। क्या लग रहा है, ये तैयार हो गया तो पीटी का एनवायरमेंट पोर्शन तैयार हो जाएगा, हो जाएगा भाई। और ग्यारहवां, मेजर जीन पूल सेंटर्स, देखो प्रमुख जीन केंद्र, प्रमुख जीन केंद्र इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मेजर जीन पूल सेंटर।